नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। तलेन सहित आसपास के अंचल में रंगों का त्योहार रंग पंचमी उत्साह से मनाया गया। हालांकि कोरोना के वायरस की धमक के चलते हर साल जितनी भीड़भाड़ नजर नहीं आई और कई लोग सर्जिकल मास्क पहने तथा चेहरे पर रूमाल बांधे हुए भी दिखाई दिए। पर्यावरण जागरूकता और जल संरक्षण प्रयास में अधिकांश लोगों ने गुलाल लगाकर सूखी होली ही मनाई, पर कुछ लोग पानी और पक्के रंगों में तरबतर भी रहे। गैर प्रमुख रास्ते से होकर वापस मंडलोईपुरा ही पहुंचे, जहां थाना प्रभारी, नायब तहसीलदार, शिक्षक, समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने संबोधन कर मार्गदर्शन के साथ शुभकामनाएं भी व्यक्त की। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी प्रमोद सिंह पवार ने कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता रखने के साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं, योग, प्राकृतिक उपचारों और शाकाहार से जुड़े रहने की अपील भी की। जुलूस के दौरान खबर समय जगत के साथ गणमान्य जनों ने अपने विचार भी साझा किए। सभी देशवासियों को रंग पंचमी की शुभकामना है। यह जो त्यौहार है, यह वास्तव में हमारे देश में जो सामाजिक समरसता का वातावरण है, सर्वपंत संभव, उसी को पुष्टि करने वाला त्यौहार है। आप सभी को पुनः रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामना। रंग पंचमी का त्यौहार ये परेशान कर रहा है, तो ये रंग पंचमी का त्यौहार जो है ये नो भय को शांत कर सकता है। यह हमारे पुराण में और हमारे धार्मिक ग्रंथ में इसका उदाहरण दिया गया है। त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाईचारा रंग पंचमी के इस पावन पर्व पर सभी को पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हमें सबको गले लगाना है, मिलके रहना है, मस्त रहना है, सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, प्रदेश उन्नति करता रहे, पूरे देश में भाईचारा बना रहे, मेरी पुनः शुभकामना। रंगों का त्यौहार रंग पंचमी की आप सभी ग्रामवासी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना से बचे, अपनी स्वच्छता के लिए खुद ध्यान रखें। त्यौहार अपने सब रंगों में से एक विशेष त्यौहार है और ये जो रंग है समरसता का प्रतीक माना गया है। खबर समय जगत के लिए तलेन से राजेश सत्यम की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।